गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बहस में। अनुराग भदौरिया साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि वैक्सीनेशन तो आप कर रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन में या तो भ्रष्टाचार है या फिर असमानता। 150 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की वैक्सीन के दाम, ये कैसे संभव है सर? सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी ने इस पूरी बात का स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। अगर इनकी पढ़ने की आदत नहीं है तो कोई क्या करे। दूसरी बात, अगर पढ़ भी लेते हैं तो समझते नहीं है, या जैसे वो सुरजेवाला जी ने प्रश्न उतारे थे तो मैंने कहा अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम समझा देते। पहली बात यह है, हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट कहा था कि 50% जो केंद्र सरकार 150 रुपए में ले रही है वह भी प्रदेश सरकारों को ही दिया जाएगा मुफ्त में। तो फिर प्रदेश केंद्र सरकार खुद तो कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कहीं चला नहीं रही है, कोई वैक्सीन लगा नहीं रही है। तो फिर जब यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रदेश सरकारों को 50% जो केंद्र की प्रोक्योरमेंट है वह फ्री में मिलेगी, तो फिर केंद्र सरकार को किस दाम पे मिल रही है ये कर रहे हैं वो समझ ले, उनको तो फ्री मिल रही है। गोपाल जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर। इससे पहले जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम इस देश में चले हैं जिसमें पोलियो वैक्सीनेशन भी शामिल है, उसको लेकर किस तरीके की पॉलिसी रही है देश में, आप बता सके? आप अर्थशास्त्री भी हैं, साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष जो आप ही की योजना है केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन से जुड़ी, उसको लेकर क्या कुछ अलग पॉलिसी रही है? क्या उसमें भी ऐसा होता है कि राज्य खरीदते हैं अलग दाम पर, केंद्र देता है अलग दाम पर? मैं आपसे समझूंगा। हमारे साथ जरा एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं।